मेरा नाम ब्रिज मोहन है, मैं हापुड़ से बिलोंग करता हूँ। मोदी जी की गवर्नमेंट में कोई भी नेता अभिनेता नो डाउट सेना देश की है, देश के लिए है। सेना के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, राजनीति की जा रही है और सेना की पहली बार ऐसा इलेक्शन जिसमें सेना मुद्दा है जी। बल्कि किसी इलेक्शन में आज तक सेना मुद्दा नहीं हुआ आज तक। ये बहुत गलत हो रहा है सेना के नाम पे वोट मांगना, ये सरासर। इससे मोदी सरकार को फायदा होगा या नुकसान होगा? इस चीज से जनता, आज की जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी है, सब कुछ जानती है। सेना भी जान चुकी है सेना के नाम पे वोट मांगना सरासर गलत है। सेना देश के लिए, ना कि किसी सेना के लिए वोट मांगना गलत है, ना कि किसी पार्टी के लिए। सेना देश के लिए होती है, ना कि किसी पार्टी के लिए। अब बीजेपी केवल सेना के नाम पे वोट मांग रही है, जो कि सरासर गलत है। मैं ताकतवर नेता होना चाहिए तभी तो कुछ करेगा। प्रधानमंत्री ताकतवर होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, ताकतवर है मोदी जी। बाकी लल्लू पंजू जो है ना, वो सब विजय है, मोदी जी विजय है। यहाँ से यहाँ तो उनका टक्कर में कोई है ही नहीं। क्या करते हो बस मोदी राहुल गांधी जी के? पहले उनसे ये पूछ लीजिए, ये देंगे कहाँ से? सर क्या कह रहे हैं बताइए। साफ चीज जो है, सबसे बड़ा काम जो है देश बचाने का। हाँ जी, इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ देश के लिए, छोटी मोटी चीज है क्या? सेना ने किया? सेना किसी की है क्या? कांग्रेस की है क्या सेना? सेना कांग्रेस की है क्या? देश की सेना है ना, कांग्रेस ने। अरे मोदी ने होते तो इतना बड़ा काम होता क्या? इतना बड़ा एक्शन लेते क्या? वो कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करवाई? ताज भी इतना बड़ा अटैक हुआ, कांग्रेस ने कोई क्यों नहीं लिया? 71 में हमने पाकिस्तान को दो फाड़ कर दिया, पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया। इकहत्तर का समय अलग था, 71 की लड़ाई पे आप कब तक क्यों ना लड़ोगे? उस वक्त इंदिरा गांधी अच्छी प्राइम मिनिस्टर भी थी, आज राहुल गांधी कुछ नहीं है इंदिरा गांधी कंपैरिजन में। हमारे यहाँ से लाहौर भी पाकिस्तान में चला गया, सारी जो बोलोगे बासठ में भी चाइना हमारा अरुणाचल प्रदेश को लेके चला गया। क्या कह रहे हो, बासठ में भी लड़ रहे हो? पिछले 70 साल में हिंदुस्तान में कुछ नहीं हुआ, जितना भी डेवलपमेंट हुआ है सब पिछले 5 साल में हुआ है। नहीं ऐसा नहीं है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, ट्रेनें चलाई गई। ऐसा बीजेपी वालों का मानना है कि जितना भी विकास हुआ है पिछले 5 सालों में हुआ है। पिछले 70 साल में जो हमारे APJ अब्दुल कलाम थे, उन्होंने मिसाइल का आविष्कार किया है। हमारे देश में जितना भी डेवलपमेंट हुआ है पिछले 5 साल में हुआ है, ठीक है? 70 साल में हमारे देश में कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी ने गवर्नमेंट आने से पहले सभी लोगों को रोजगार देंगे, ठीक है? सभी लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। आप मुझे एक भी काम बताइए बीजेपी गवर्नमेंट ने जितने भी वादे किए थे, जितने घोषणा की थी, एक भी काम मुझे एक बता दीजिए आप। पिछले 5 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने जो वादे किए थे एक भी पूरा किया हो आप मुझे बताइए। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए जितने वादे किए हो एक भी अगर पूरा किया हो बीजेपी गवर्नमेंट ने, मैं चैलेंज करता हूँ पिछले 5 साल में आप बताइए। आरोप लगाते हैं भाई बेरोजगारी 5 साल में तो आई नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक किया केवल हमारी सेना ने किया, सेना बीजेपी की नहीं है, सेना हमारे देश की है, भारत की है। उसके ऊपर हमें वोट नहीं मांगना चाहिए, नहीं राजनीति करनी चाहिए, ये बात सच्चाई है। पिछले 5 साल में बीजेपी ने जितने वादे किए हो, कोई जितने आदमी खड़े हैं, मैं सभी से पूछना चाहता हूं अगर उन्होंने एक भी काम ऐसा किया हो कि हमने ये काम जो वादा किया था और हमने ये पूरा किया है, आप सब लोग बताइए मुझे तो एक भी वादा पूरा किया हो उन्होंने? सालों से भ्रष्टाचार जितनी तूपी हुई थी, अभी क्यों 5 साल में वो भ्रष्टाचार अभी खुल रहा है? आज भी है, बहुत कम है। वो तो क्या कह रहे हैं, मैं बताऊं, बहुत कम है, आज भी है भ्रष्टाचार। मैं ये कह रहा हूँ की आवाज जो कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी है 70 साल में नहीं थी, क्या 5 साल में आ गई? आप ये बताइए 5 साल में अगर आई है, पहले से थी तो इन्होंने मिटाने के लिए बेरोजगारी 45 साल से देश में इस समय NSSO की रिपोर्ट क्यों छुपाई जा रही है? जो डाटा है उसे क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं? अभी जो डाटा आया है कि जो हमारी GDP बता रहे हैं इतनी बढ़ रही है, उसमें 35% जो कंपनियां हैं वो तो है ही नहीं देश में, तो ये क्या मतलब है? फर्जी GDP दिखा रहे हैं। क्या लगता है इससे जो है सरकार को नुकसान हो सकता है? क्या सरकार को बहुत भारी नुकसान हो सकता है? क्यों नहीं सरकार को नुकसान हो सकता है? जब आप काम ही नहीं करेंगे, युवा को रोजगार ही नहीं देंगे, तो फिर युवा आपको क्यों वोट देगा? ये बताइए आप। क्या नाम है आपका? सबसे बड़ी, मेरा नाम गौरव है। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ यहाँ पे BA ऑनर्स, हाँ साइकोलॉजी ऑनर्स है। ये थी, ये आपने देखा यहाँ पे नौजवानों की बात हमने रखी, युवाओं की बात हमने रखी, पढ़ने वाले लोग भी यहाँ पे थे, दुकान वाले भी थे, और लगभग सभी लोगों ने अपनी बात रखी। सभी की राय अलग अलग है, कोई कहता है मोदी जी की जीत 2014 से भी ज़्यादा इस बार जो है विकराल, बहुत अच्छी तरीके से होगी। कोई कहता है 2014 से कहीं ना कहीं 2019 में मोदी जी को नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन लोग मिली जुली प्रतिक्रिया है। लेकिन सवाल बहुत है, इन सारे सवालों का जवाब अब 23 मई को ही इंतजार रहेगा, क्या मिलता है ये जनता ही जो है तय करेगी। फिलहाल आप देखते रहिए इंडिया पोस्ट न्यूज़, मैं मोहम्मद शोएब आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलेंगे अगले पोस्ट में, तब तक लिए जय भारत जय हिंद।